खिलाड़ी के दरमियान अच्छा तालमेल टीम दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे। एंडी फ्लेयर और तो इसका मकसद यही है, हमें हमने इसलिए ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। इस टाइम मसला ये सर, आप देखिए ड्रग्स जो यहाँ पे फैल रहा है बुरी तरह से कश्मीर पूरी जेंट के, उसका जो माइंड होता है वो फिट होना चाहिए पढ़ाई के लिए भी। उसके लिए सबसे बेहतरीन है आपका जो ये सपोर्ट्स, अगर आप सपोर्ट्स लवर बने, सपोर्ट्स खेले, सपोर्ट्स देखे, इसके बारे में जानकारी ये अपने जहन में रखे, अपने रग्स में सपोर्ट्स भरे, तो मुझे लग रहा है ये सबसे अच्छी बात है। इसमें हमने रखा ये हमारे जून के लिए हमने मखसूस रखा था, क्योंकि 13 RR जो है ये सोनावारी में पड़ रहा है, तो उनने कहा कि हमें एक टूर्नामेंट निकालना है, आप हमें बोले कुछ दिनों की मैं ये ख़त्म होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि आज इस ग्राउंड में जो ये मैच का आगाज़ हुआ, इनॉग्रल फंक्शन आज हुआ इसका, तो आपको मैं बताता चलूँ कि ये ग्राउंड ऐतिहासिक ग्राउंड है। और मुझे लग रहा है कि जब हम बच्चे थे शायद हमारे माँ बापों ने भी इसी ग्राउंड में खेला होगा या खेल देखे होंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे मैच यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर रुझान जो है यूथ्स का खेलों की ओर है, और इस यही एक बुनियादी वजह है कि मेन जो ये हाजिन एरिया या इसके गिरदनवा के इलाके हैं, ये अगर ड्रग्स से दूर है तो ये वजह तो सिर्फ खेलों की है, स्पोर्ट्स की वजह से आजकल की यूथ जो है खेलों से, इसे ड्रग्स से दूर है या क्राइम से दूर है, तो बेसिक वजह उसकी यही है। और यहाँ पे सबसे बड़ी मेन ये है, हमारा जो DFA जोन, DFA सोनावारी जो है, यहाँ पे एक रजिस्टर